मध्य प्रदेश के चयनित शिक्षकों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को भोपाल में सीएम हाउस में नियुक्ति पत्र दिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि चयनित शिक्षकों को पहले साल 70% और दूसरे साल 100% सैलरी दी जाएगी। चयनित शिक्षकों को मुख्यमंत्री निवास में नियुक्ति पत्र दिए गए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नवनियुक्त शिक्षकों को वीडियो संदेश के जरिए संबोधित किया। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश में जिन हजारों शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, उन्हें एक बात कहना चाहता हूं, आप अपने पिछले 15 से 10 सालों के जीवन को देखिए, आप पाएंगे कि जिन लोगों ने आपके जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव डाला, उनमें आपकी माता और आपके शिक्षक जरूर हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने आधुनिक और विकसित भारत की आवश्यकताओं को देखते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है। यह नीति बच्चों के संपूर्ण विकास पर जोर देती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, जो पिछली सरकार ने गलत किया था उसको सुधार रहा हूं। सैलरी के 4 हिस्से में बांटना और तरसा तरसा कर देना मुझे ठीक नहीं लगता। इसीलिए पहला साल आपकी परीक्षा का तो 70%, दूसरे साल अच्छा पढ़ाओ तो 100% सैलरी दी जाएगी। और आज मैं एक फैसला और कर रहा हूं, एक काम जो पिछली सरकार ने गलत किया था उसको मैं थोड़ा सुधार रहा हूं। अब पहले साल 70% और दूसरे साल 100% सैलरी दी जाएगी। ये 4 हिस्सों में बांटना मुझे तो न्याय नहीं लगता, तरसा तरसा के देना ये मुझे ठीक नहीं लगता। इसलिए पहला साल अपनी परीक्षा का है तो 70%, दूसरे साल अच्छा पढ़ाओ 100%। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग को बधाई देना चाहता हूं। आपने बहुत गंभीरता से नई शिक्षा नीति लागू करने का काम किया है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे में हम लोग 70वें नंबर पर थे, आज हम 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं। वर्ष 2021 से लेकर अब तक 60,000 से अधिक शिक्षक नियुक्त हुए हैं। 53 जिलों के हिसाब से विगत 3 वर्षों में प्रदेश के प्रत्येक जिले में औसतन 1,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। इस मौके पर नव नियुक्त शिक्षक प्रसन्न नजर आए। यहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ भोपाल के मुख्यमंत्री जी के द्वारा, ये बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम था। इसके द्वारा मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि पहले 70% वेतनमान था, दूसरे साल 80-90 ये था, लेकिन अब डायरेक्ट 70 से 100% वेतनमान किया गया है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए उन्होंने हमें नियुक्त किया है, इसलिए भी मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में।